हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से एक मेजर अपडेट लेके आया हूँ। मैक कैफी की तरफ से बहुत अच्छी ओपनिंग्स निकली हैं, दो दो ओपनिंग है, फ्रेशर्स और ग्रेजुएट दोनों के लिए है। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और मैं आपके लिए डेली ही अपडेट लेके आ रहा हूँ जॉब से रिलेटेड। तो इसलिए प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा आई बटन पर क्लिक करके, और इनकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट करो चैनल को, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहली जो डेजिग्नेशन है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की है और C++ की रिक्वायरमेंट है। मैक कैफी का आपने नाम सुना होगा, कितनी बड़ी कंपनी है और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉकडाउन के बाद, तो इसे जाने मत दीजिएगा। नंबर ऑफ पोजीशंस काफ़ी कम होती हैं इतनी बड़ी कंपनी में, बहुत जल्दी फिलअप हो जाती हैं, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अप्लाई कर देना। जॉब टाइटल आपने देख ही लिया, लोकेशन इंडिया बेंगलोर में आपको जॉब ये मिलेगी। और मैक कैफी के बारे में आप जानते हैं, इसको रीड कर लीजिएगा पूरा, और देखिए आपको C++ की नॉलेज होनी चाहिए, विंडोज़ के इंटरनल के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, डीबगिंग एक्सपीरियंस और मल्टी थ्रेडिंग IPC सिस्टम प्रोग्रामिंग के बारे में और एल्गोरिथम्स में डेटा स्ट्रक्चर। तो आपको मेनली कोर के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में आप जाओगे तो आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको वहाँ पर काफ़ी कोर में काम करना होगा। और बेनिफिट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे इस कंपनी के, देखिए पेंशन एंड रिटायरमेंट प्लान्स तक मिल रहे हैं यार, मेडिकल डेंटल एंड विजन कवरेज, पेड टाइम ऑफ, पेड पेरेंटल लीव और सपोर्ट फॉर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, और एक्सपीरियंस हायर है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, और फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी सैलरी के बारे में एग्जैक्ट इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो आप जब आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा डेफिनेटली वो मेरे ख्याल से तो वर्चुअली ही होगा, तो ये भी प्रॉफिट है आपके लिए। इस रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हैं आई बटन क्लिक करके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है पूरी कि किस किस तरीके से आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, हमारी पूरी सीरीज़ है। और इसको आप अप्लाई कर दें जल्दी से अपनी सारी डिटेल्स फिल करके। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देख लें, ये भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की प्रोफाइल है, लेकिन टेस्टिंग लेवल पे, एंट्री लेवल पे है। ठीक है, तो इसकी भी जो लोकेशन है वो बेंगलोर में ही है। इसमें रोल ओवरव्यू आपको क्वालिटी फ्रेमवर्क्स के बारे में और एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में और प्रोग्रामिंग बेसिक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको टूल्स डेवलप करने हैं, ठीक है, परफॉर्मिंग टेस्टिंग एनालिसिस करनी है, सी प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, सी में पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इंटरप्ट्स, इसके बारे में आपको इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए तैयार रहिएगा। और ये देखिए आप किस तरीके से आपको कोर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी फ्रेमवर्क, SQL की भी नॉलेज होनी चाहिए, और स्क्रम के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है तो और अच्छी बात है, एजाइल स्क्रम के बारे में। और इसमें भी देखिए वही सारे बेनिफिट्स हैं, और रीसेंट कॉलेज ग्रेजुएट यानी कि 2020 बैच आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बेंगलोर लोकेशन है, जल्दी से अप्लाई कर दो यार, इतनी अच्छी ओपनिंग है, ऐसी ओपनिंग लेके आ रहा हूँ, इसलिए यार सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, सपोर्ट करो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। आगे और भी अपडेट लेके आने वाला हूँ, पहले भी एक अपडेट लेके आया हूँ इससे पहले एक्सेंचर का, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।